गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अगेन जेनेटिक्स चैप्टर एंड टुडेज टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वंस अगेन टुडे वी आर स्टार्टिंग अगेन चैप्टर जेनेटिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन। सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक्स प्रोपोज्ड some important laws through hybridization experiments on garden pea plant, it means Pisum sativum. Students, remember botanical name of garden pea is Pisum sativum, which are called Mendel's law of inheritance. These laws are as follows. Once again, Mendel's, it means father of genetics, proposed some important laws through hybridization experiments on garden pea plant. Students, remember Mendel experiment on 7 years, 1856 to 1863, or between 1856 to 1863, on garden pea plant. Botanical name of garden pea plant is Pisum sativum, which are called Mendel's law of inheritance. These laws are follows. First is law of dominance. Second is law of segregation. It is also known law of purity of gametes, and third is law of independent assortment. Once again, first Mendel's law is law of dominance, second is law of segregation, it also known law of purity of gametes, and third is law of independent assortment. First law, is law of dominance. Students, remember it is a first law of inheritance. Second, I draw a flow chart
और लीनियर फिगर फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ लोफ डोमिनेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक एग्जांपल्स रिलेटेड टू लोफ डोमिनेंस. सो एग्जांपल इज हाइट ऑफ प्लांट. स्टूडेंट्स रिमेंबर्स गार्डन पी प्लांट टू हैव 34 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स. इट मीन्स 34 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग 34 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स. बट मेंडल सेलेक्ट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स. इन हाइटो प्लांट्स इंक्लूड इन 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स. सो फर्स्ट इज P1, सेकंड इज P2. P1 इट मीन्स पेरेंट फर्स्ट. P2 इट मीन्स पेरेंट सेकंड. एंड दिस सिंबल्स इज रिलेटेड टू मेल ऑर्गेनिज्म एंड दिस रिलेटेड टू फीमेल ऑर्गेनिज्म. वंस अगेन दिस रिलेटेड टू मेल, दिस रिलेटेड टू फीमेल. P1's पेरेंट फर्स्ट इज डोमिनेंट, पेरेंट सेकेंड इज रिसेसिव. इट मीन्स टॉल, इट मीन्स ड्वार्फ. नेक्स्ट प्रोसेस इज मियोसिस. स्टूडेंट्स रिमेंबर इट इज ऑल्सो नन रिडक्शन डिविजन. इट मीन्स मियोसिस इज ए टाइप्स ऑफ डिविजन. इट इज ऑल्सो नन रिडक्शन डिविजन बाई द मियोसिस फॉर्मेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ गेमिट्स. इट मीन्स दे आर गेमिट बाई द मियोसिस डिविजन. वेन गेमिट्स क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म्स ए स्पेसिफिक जनरेशन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन. एंड दिस प्लांट इज टॉल प्लांट. वंस अगेन दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ. सो वंस अगेन आई ड्रा ए फ्लो चार्ट फॉर रिलेटेड टू लोफ डोमिनेंस. फर्स्ट आई टेक एग्जाम्पल्स हाइटो प्लांट, पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकेंड. पेरेंट फर्स्ट इज टॉल प्लांट, दिस इज ड्वार्फ प्लांट. टॉल इट मीन्स कैपिटल टी कैपिटल टी, ड्वार्फ इट मीन्स स्मॉल टी मेंडल्स रिप्रेजेंट टू डोमिनेंट करेक्टर ऑन कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव करेक्टर्स रिप्रेजेंट टू स्मॉल लेटर्स. नेक्स्ट प्रोसेस मियोसिस. सो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स बाय द मियोसिस. मियोसिस स्टूडेंट्स रिमेंबर्स इट इज ए टाइप्स ऑफ डिविजन. इट इज ऑल्सो नन रिडक्शन डिविजन. वेन द गैमिट्स क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म्स स्पेसिफिक फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड दिस जनरेशन प्लांट इज टॉल प्लांट. सो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज वेन ए होमोजाइगस डोमिनेंट. दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट. दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव. वेन ए होमोजाइगस डोमिनेंट, वेन ए होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव सो फॉर्म्स F1 जनरेशन. इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट करेक्टर रिप्रेजेंट. सो इट इज कॉल्ड टू डोमिनेट लॉ ऑफ डोमिनेंस. वंस अगेन वेन होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव सो फॉर्म्स F1 जनरेशन. इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट करेक्टर रिप्रेजेंट.
So this law is called law of dominance. So when a homozygous dominant, it means tall plant cross with homozygous recessive, it means dwarf plant. So forms F1 generation in F1 generation represent only dominant character. So this law is called law of dominance. Once again, when a homozygous dominant cross with homozygous recessive, so forms F1 generation. In F1 generation, only dominant character, tall, is a dominant character. So this law is called law of dominance. So students, remember, in this laws we take only single trait or single character. So first law is based on monohybrid cross. So law of dominance is based on monohybrid cross. So this is first law of inheritance or Mendel. Next, law of segregation, second law. Next, law of segregation, it is also known law of purity of gametes. Students, remember, it is first law, so it is second law. It is second law of inheritance, second law of segregation based on monohybrid cross. Once again, law of segregation is based on monohybrid cross, based on monohybrid cross. Next, flow chart of law of segregation and linear figure of law of segregation. First of all, example is
height of plant. Once again, height of plant, first, parent second. If this is male, so this is female. This is tall plant. This is dwarf plant. Tall is a dominant character, dwarf is a recessive character. It means capital T, it means small t. Next process is meiosis. So formation of two equal gametes. I take only single, two gametes. I take only single. This is gametes. When the gametes cross each other, forms F1 generation. It means first filial generation, and this plant is tall plant. Once again, when we take single trait and cross two different plants and forms F1 generation, in F1 generation only dominant character present, so this law is called law of dominance. Next, formation of gametes. They are gametes of F2 generation. It means second filial generation. So next process is selfing. Students, remember, a British scientist, Reginald C. Panet, first time give a specific checkerboard or Panet square. It is called Panet square or checkerboard. If capital T small t, next capital T small t. If they are related to male, so they are related to female. When capital T cross each other and forms capital T, it means tall. When capital T small t cross each other and forms tall, because dominant character represent. Next, capital T small t, so capital T small t is tall. Last, capital small t, it means dwarf. So this generation is F2 generation. It means second filial generation. Next is genotype or phenotype. Genotype and second is phenotype. Students, remember, genotype it means genetic constitution, phenotype it means external appearance. In genotype, first plant is dominant homozygous, second is heterozygous, third is homozygous recessive. First is dominant homozygous, first heterozygous, heterozygous, second is heterozygous, third is recessive homozygous. Only single plant is dominant homozygous, heterozygous is 1, 2, and recessive homozygous is 1. So ratio is 1, 2, 1. So genetic constitution of F2 generation of law of segregation is 1 ratio 2 ratio 1. Next, phenotype, it means axonal appearance. First is tall plant, second is dwarf,
टोल इज 1, 2, 3, इट मीन्स थ्री प्लांट आर टोल. सिंगल प्लांट इज ड्वार्फ, इट मीन्स फिनोटाइप इज 3:1. सो लोज, वंस अगेन लोब सेग्रीगेशन. स्टूडेंट्स, वेन वी टेक सिंगल करेक्टर और ट्रेट क्रॉस टू डिफरेंट पेरेंट्स एंड फॉर्म्स F1 जनरेशन, आफ्टर F1 जनरेशन, आफ्टर F1 जनरेशन गेमिट्स आर सेपरेटेड. सो इट इज कॉल्ड लोब सेपरेशन, लोब सेग्रीगेशन. वंस अगेन, वेन वी टेक सिंगल ट्रेट एंड क्रॉस टू डिफरेंट प्लांट एंड फॉर्म्स F1 जनरेशन, आफ्टर F1 जनरेशन गेमिट्स सेपरेटेड ईच अदर. सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेपरेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एंड सेकेंड इज, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव, एंड दिस इज डोमिनेंट गेमिट, दिस इज रिसेसिव गेमिट. इट मीन्स दिस इज प्योर डोमिनेंट, दिस इज प्योर रिसेसिव. सो प्योर डोमिनेंट गेमिट, प्योर रिसेसिव गेमिट. सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट. वंस अगेन, वेन वी टेक सिंगल ट्रेट एंड क्रॉस टू डिफरेंट प्लांट्स एंड फॉर्म्स F1 जनरेशन, आफ्टर F1 जनरेशन गेमिट्स सेपरेटेड ईच अदर्स, गेमिट्स आर सेपरेटेड ईच अदर्स. सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रेशन एंड लॉ ऑफ सेपरेशन. एंड दिस इज प्योर डोमिनेंट, दिस इज प्योर रिसेसिव गेमिट्स. सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमिट्स. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज व्हेन वी टेक ए सिंगल ट्रेट एंड क्रॉस्ड टू डिफरेंट प्लांट, इट मीन्स टोल एंड ड्वार्फ एंड F1 जनरेशन एंड फॉर्म्स F1 जनरेशन, आफ्टर F1 जनरेशन गेमिट्स आर सेपरेटेड ईच अदर. सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो स्टूडेंट्स कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे.